जिला बैडमिंटन एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल एसोसिएशन के सलाहकार रमेश लाडर की अध्यक्षता में उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने जिला के टाउन हॉल में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को नगर परिषद के टाउन हॉल में करवाने को लेकर अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से इस प्रकार की प्रतियोगिताएं जिला में इंडोर स्टेडियम न होने के कारण यहीं पर हो रही हैं। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को दिए गए अपने मांग पत्र में टाउन हॉल में बैडमिंटन खेल मुकाबलों की प्रतियोगिताएं करवाए जाने की पूरी संभावना है। इस खेल को उभारने के प्रयास को जिला प्रशासन से पूर्ण उम्मीद की किरण जागी है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपायुक्त संदीप कदम से भी जिला बैडमिंटन संघ द्वारा ये प्रयास उठाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनावों के चलते उनका तबादला हो गया था, जिसके कारण ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने बताया कि इस बारे में स्वयं भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की योजना तैयार की जा रही है। दूसरी ओर इस संदर्भ में उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जिला बैडमिंटन संघ का एक प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर जिला टाउन हॉल में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं को करवाने के लिए इंडोर स्टेडियम की सुविधा खिलाड़ियों को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इस बारे में वह खेल विभाग तथा प्रदेश सरकार को भी पत्र के माध्यम से अवगत करवाएंगे। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल में मैट बिछाए जाने को लेकर भी खेल विभाग के उच्च अधिकारियों से सलाह ली जाएगी। हमारे पास कोई इंडोर स्टेडियम कोई नहीं है हमारे पास, और हम आज इस हिसाब से जाने जा रहे हैं कि हमारे जो इसमें ई ऑफिस में बड़ा हॉल है वहाँ बैठने का वहाँ करते हैं कि वहाँ टर्फ बिछाई जाए, वहाँ जो बच्चे खेलते हैं उनको इसकी सुविधा मिले, जो हर डिस्ट्रिक्ट में सुविधा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। पहले जो यहाँ पहले जी साहब रहे हमें चौहान जी, उन्होंने हमें बोला था कि एक स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन के पास पैसा है, उसके द्वारा हम आपको टर्फ के लिए पैसे दे देंगे।